गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फाइनली गाइस आज अपन राइड करने वाले हैं TVS स्पोर्ट्स। ये बाइक दोस्तों ना कम बजट में बहुत ही भयंकर माइलेज देती है, तो आज अपन देखते हैं कि यार इसको चलाने में कैसा क्या मज़ा आता है, कैसी क्या इसमें अपने को रिफाइंड में मिल जाती है और माइलेज के अलावा और क्या अपने को खास मिल जाता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। एक तो इसका ब्लैक कलर ना बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब काफ़ी स्पोर्टी लगता है, इसमें अपने और भी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन आ जाते हैं, पर मुझे तो इसका सबसे बढ़िया कलर अपना ब्लैक ही लगता है। तो अपन फटाफट से राइड पर चलते हैं। अब देखो वैसे ये अपना E20 मॉडल तो नहीं है, जो अभी लेटेस्ट अपना BS6 फेज 2 आया ना, पर देखो उसमें कुछ अपने ज़्यादा ऐसे मेजर अपडेट नहीं है अपने नए वाले मॉडल में, बस उसमें ना अपना E20 फ्यूल सपोर्ट जाता है और उसमें BS6 फेज 2 इंजन है, तो आपको चलाने में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं लगने वाला है, इसलिए अपन अभी अपनी यही वाली चलाकर बताते हैं। स्टार्ट तो बड़ी स्मूथ जाती है, वैसे तो इसमें रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी लग रही है, बाकी अपन इसको थोड़ी भगाएंगे जब भी देख लेंगे। अपने देव भाई की बाइक है, चलो भाई बैठो पीछे। देखो इसके छोटे मोटे अपने को ब्रेकर्स वैसे मालूम नहीं पड़ेंगे, सस्पेंशन तो देखो ऐसे इसका अच्छी है। और अपन इसका भाई पिकअप टेस्ट करते हैं, गाइस देखो पिकअप तो ठीक ही है, अभी हम दो लोग बैठकर राइड कर रहे हैं ना, तो पिकअप ठीक ठाक लग रहा है, पर ये बात है कि यार बाइक बहुत ही स्मूथ चलती है, बाइक में रिफाइनमेंट अपने को काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वाइब्रेशन बहुत ही कम फील होते हैं और बाइक में चार गियर्स अपने को मिल जाते हैं, तो फोर्थ गियर में बाइक बहुत ही स्मूथ चलती है। बाकी इसमें ना टॉर्क अपने को अच्छा मिल जाता है, भले ही अपने को पावर ठीक ठाक मिलती है, पर तीसरे चौथे गियर में भी मैंने कम स्पीड पर गाड़ी उठाई ना, तो बहुत ही स्मूथ तरीके से उठ जाती है, मतलब इसे झटके नहीं लगती है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। अब गाइस अपन सबसे मेन चीज़ की बात करते हैं जो कि अपनी प्राइस, तो देखो यार इस सेगमेंट में आपको 110cc में सबसे कम प्राइस में आने वाली बाइक है, मतलब इसके वाला आपको और कोई सी भी 110cc में इतनी कम प्राइस में आने वाली आपको कोई बाइक नहीं मिलेगी। ये अपने को कंप्लीट ऑन रोड पड़ जाती है 74,000 रुपीज़ के आसपास, ये तो अपनी सेल वाली है, बाकी अगर आप की वाली लेते हो ना तो आपको मतलब 70,000 रुपये के भी अंदर आ जाती है, तो ये अपनी मोस्ट अफोर्डेबल 110cc वाली बाइक है। इतनी कम प्राइस में तो भाई अपनी 100cc की बाइक भी नहीं आती है, और TVS अपने को कम प्राइस में 110cc की प्रोवाइड कर रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखो इसमें अपना सबसे खास चीज़ मिल जाती है जो कि अपना माइलेज, वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो देखो ये 60-70 के बीच में अपने को माइलेज देती है। अब देखो कंपनी तो 68 का क्लेम करती है, पर ये बात तो कि अगर आप इसको प्यास चलाओगे ना तो आपको 70 के आसपास तो माइलेज आराम से देगी, और हाईवे पर और प्यास चलाओगे तो हो सकता है आपको 70 से ऊपर भी माइलेज दे दे। अगर आपके पास भी TVS स्पोर्ट है तो एक बार कमेंट्स में आप जो बताना कि आपको कितना क्या माइलेज दे रही है, मैक्सिमम माइलेज आपने इससे कितना क्या निकाला है। ओवरऑल अपन देखें तो इसमें अपने को माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब दोस्तों अपन एक और मेन चीज़ की बात करें कम्फर्ट की, तो इसमें अपना कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अपनी सिंगल सीट है, दो लोग अपने बड़े आराम से बैठ जाते हैं, अच्छी खासी अपनी लंबी सीट है और कुशनी वगैरह भी सीट्स की बढ़िया है, और बाइक की सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, और अगर आपका डेली का अप डाउन है 50-100 किलोमीटर का तो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, बढ़िया आपके लिए कंफर्टेबल रहने वाला है। और देखो सिटी कम्यूट के लिए तो बहुत ही बेस्ट बाइक है, बड़ी अपनी लाइट वेट बाइक है, 110 किलो बाइक का वेट है, तो सिटी में चलाने में तो आपको कुछ भी इशू नहीं आने वाला है, बढ़िया लाइट वेट ही बाइक फील होती है। अब देखो लाइट वेट बाइक है तो माइलेज अपने को काफ़ी अच्छे निकाल देगी। अब देखो अगर अपन सीट हाइट की बात करें तो अपनी सीट हाइट भी ऐसी कुछ ज़्यादा तो है नहीं, 790mm के आसपास है, तो अगर आपकी हाइट 5'4" 5'5" भी होगी ना तो आप इसको बड़े आराम से चला पाओगे। बाकी अपन ब्रेकिंग सिस्टम देखें तो आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। अब देखो जितनी भी 100cc की बाइक आती है, 110cc की बाइक आती है, सब में अपने को लगभग अपने को ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं, तो इसमें भी अपने ड्रम ब्रेक्स ही आते हैं। अब देखो बाकी सब बातें तो ठीक है, पर इसमें ना अपने को फीचर्स देखो इतने कुछ ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं, अपने को सिंपल सोवर अपने को क्लस्टर देखने को मिलता है, नहीं अपने को इसमें फुल डिजिटल क्लस्टर आता है, और कुछ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अपने को नहीं मिलती है। अगर इसमें देखो फीचर्स भी ज़्यादा आते हैं ना तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा रहती, इसलिए आपको कम प्राइस में एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें मिल जाती है। अब गाइस सारी अपन ने मेन मेन चीज़ें अपन ने बात कर ली है, अब देखो आपको कम प्राइस में ना इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती है। अगर देखो अपन कम्यूटर बाइक लेने का सोचते हैं तो देखो मेन चीज़ तो अपनी माइलेज रहती है, कंफर्ट रहता है, अपनी प्राइस रहती है, तो कम प्राइस में आपको ये TVS स्पोर्ट काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑफर कर देती है। इस बाइक को दोस्तों अपना अवार्ड भी मिल चुका है, बाइक ऑफ द ईयर ये रह चुकी है, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है भाई, इतनी हाई प्राइस में फिर और क्या ही चाहिए। अब देखो अभी तो अपन सेल्फ वाली चला रहे हैं, पर इसमें अपना किक का ऑप्शन भी आ जाता है, तो उसकी ऑन रोड प्राइस तो अपनी 66,000 रुपये के आसपास ही रहती है, तो उसकी प्राइस तो भाई बहुत ही अफोर्डेबल है। तो अगर आपका बजट देखो 70,000 रुपये के आसपास है, आपको एक बढ़िया सी डेली कम्यूट के लिए बाइक चाहिए जिसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा हो, कंफर्ट भी अच्छा हो, तो एक बार आप TVS स्पोर्ट भी देख लेना, आपको ये बाइक काफ़ी अच्छी लगेगी, और ये टेस्ट राइड वगैरह सब लेकर देख लेना। सो गाइस वीडियो कैसी लगी अगर कमेंट्स में आप जो बताना, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना और चैनल भी भाई याद से सब्सक्राइब जो से कर लेना। मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।